नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज इस हाथ का विश्लेषण कर आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के यहाँ एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए इनके प्रश्नों का उत्तर देता चला जाऊंगा। तो सर्वप्रथम आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो फिंगर यहाँ पर अच्छी खासी लेंथ में मुझे देखने को मिल रही है और खासकर यहाँ पर फूली हुई कुल मिलाकर के ज़्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं इमीडिएटली एक्शन को इंडिकेट करता है कि आप जैसे ऐसे लोगों में बहुत जल्दी एक्शन यानी निर्णय लेने की क्षमता होती है और उस निर्णय को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट भी अपने लाइफ में कर देने वाले रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख पाएंगे कि लिटिल फिंगर की लेंथ तकरीबन थर्ड फिंगर का फर्स्ट पोर तक जा रही है, उसके ऊपर तक, जो कि अपने आप में बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल को इंडिकेट करती है कि ऐसे लोगों में मार्केटिंग स्किल, बिजनेस एक्यूमेंट्स बहुत अच्छा देखने को मिलता है, यानी अपनी बात को सीधे और स्पष्ट रूप से किसी के भी सामने रखना, ज़्यादा हिचकिचाहट, घबराहट, ऐसे किसी भी प्रकार की परेशानी ना होना। तो ये अपने आप में बहुत अच्छे रूटीन को, बहुत अच्छे सक्सेस को भी इंडिकेट करता है बिजनेस लाइन में। साथ ही साथ फिंगर में आप सर्वप्रथम गौर कर पाएंगे कि फिंगर के ऊपर अनेकों सीधी खड़ी रेखा आपको देखने को मिल जाएगी, जो एक प्रकार से फ्रेंडली नेचर यानी मिलनसार स्वभाव को ही व्यक्त करता है। ऐसे लोग किसी भी व्यक्ति के साथ एवं किसी भी परिस्थिति में आसानी से ढल जाने वाले होते हैं, कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं आती। अंगूठा जो है इनका सशक्त है यानी मजबूत है, जिसके कारण मजबूत व्यक्तित्व इनका रहने वाला रहेगा। निर्णय लेने की क्षमता और उन निर्णयों पर अड़े रहने की क्षमता भी ऐसे लोगों में अच्छी होती है। हालांकि शुरुआती जीवन में यानी करियर के शुरुआत में ऐसे लोगों की कंफ्यूजिंग माइंड देखने को मिलता है कि करियर प्रॉपरली डिसाइड नहीं कर पाते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत लाइन क्लियर होगा, फोकस जो इनका है बहुत अच्छा रहने वाला रहेगा। पहले पर्व की लेंथ जो है यहाँ बहुत अच्छी है, जिसके कारण एम्बिशियस नेचर को यह सर्वप्रथम इंडिकेट करता है। यह एक प्रकार से इच्छा शक्ति को बताता है जो कि इनके अंदर बहुत रहेगी हर चीज़ को पाने की। तो यही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी आप अपने जीवन में रहने वाले रहेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यव का साइन भी बन रहा है, जो अपने आप में गुड सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ साथ अच्छे खासे सिक्स्थ सेंस को भी इंडिकेट करता है कि अगर थोड़ा बहुत ध्यान करें, थोड़ा बहुत रहस्यमय विद्याओं की तरफ थोड़ा बहुत झुकाव हो जाए तो बहुत अच्छा सक्सेस इस लाइन में भी इनको मिल सकता है। धार्मिकता हालांकि इनके अंदर बहुत अच्छी रहेगी, इंटेलिजेंसी भी अच्छी खासी मात्रा में रहने वाली रहेगी। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको बताते हुए, यहाँ पर जो इनके पाम का साइज है वो इस प्रकार से रेक्टेंगुलर पाम यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। जब रेक्टेंगुलर पाम हो तो ये अपने आप में यही बता रहा है कि ऐसे लोगों में बोल चाल की कला बहुत अच्छी होती है, यानी बोल करके कार्य करना या अपने बोली के कारण काम करवा लेना, इस प्रकार का भी नेचर देखने को मिलता है। तो व्यापारिक सौदे जो हैं बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोगों के। और देख पा रहे होंगे कि शुक्र और साथ साथ बाहरी मंगल बहुत उभरा हुआ है। शुक्र का उभरना तकरीबन अच्छा ही माना जाता है, लेकिन बाहरी मंगल का उभरा हुआ इतना अच्छा नहीं हो पाता। अभी बताते हैं क्यों ऐसा। गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं तो गुरु पर्वत जो है यहाँ पर थोड़ा कम स्पेस ले पा रहा है। हालांकि फिंगर जो है यहाँ पर दूसरे फोटोज में मैंने देखा बहुत अच्छी है, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज, टीचिंग क्वालिटीज, अपना काम निकलवाने की काबिलियत, ये सब बहुत अच्छी देखने को मिलती है। और आप देख पा रहे होंगे कि ये जितनी आड़ी रेखाएं हैं ये सिंपैथेटिक पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, यानी ऐसे लोगों में दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा ही दयालुपन देखने को मिलता है, यानी दूसरों का दुख दर्द नहीं देख पाते। धार्मिकता बहुत ज़्यादा होती है, धर्म कर्म पुण्य प्रताप इन सब के कामों में बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों का विश्वास देखने को मिलता है। शनि के क्षेत्र पर चर्चा करें तो शनि जो पर्वत है कुल मिलाकर के इनका नॉर्मल है, और जहाँ तक भाग्य रेखा की चर्चा करें तो इनका भाग्य रेखा चंद्र के क्षेत्र से प्रारंभ होते हुए इस प्रकार से चल रहा है, गुरु की तरफ झुकाव लिया हुआ है और हल्की हल्की शाखाएं शनि तक जा रही है। चंद्र के क्षेत्र से प्रारंभ होने के कारण ये जान लीजिए कि आपको आपके जन्म स्थान से दूर ही प्रोग्रेस यानी सक्सेस यानी जो जीवन में चाहेंगे सब मिलेगा, यानी जो अचीवमेंट रहेंगे आपके लाइफ में वो आपके जन्म स्थान से दूर रहेंगे। शादी के बाद जीवन में बहुत प्रोग्रेस मिलने वाला रहेगा, क्योंकि जीवन साथी का सहयोग बहुत अच्छा रहेगा। धनागमन भी भाग्य उन्नति दोनों के दोनों होने वाला रहेगा। दूसरों के सहयोग एवं दूसरों के प्रोत्साहन के कारण आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले रहेंगे। मदर सपोर्ट भी बहुत अच्छा जीवन में रहेगा। माँ की बात तो कभी भी ना टालें, और उनकी बात को जितना मानेंगे उतना आप जो है अपने जीवन में उन्नति की राह पर चलते चले जाएंगे। जितना मन की सुनेंगे, जितना मन की करेंगे, अन्यथा जितना ये जो एंटरटेनमेंट का क्षेत्र है यानी आपका जो कुल मिलाकर के क्रिएटिविटी है, जो आपके अंदर कला है, उसको निखारिए, लोगों के सामने लाइए, तो इसके माध्यम से भी फेम पॉपुलैरिटी के साथ साथ तो उन्नति जीवन में मिलते चले जाएगा। तो ये इस प्रकार की भाग्य रेखा है जो गुरु की तरफ झुकाव ले रही है, जो साफ साफ बता रही है कि विदेशी मुद्राओं में भी आपको जो है
अर्निंग हो सकती है जीवन में, यानी विदेश जाने के योग भी हैं, विदेशी भूमि से लाभ भी रहेगा और शनि के क्षेत्र तक जाने के कारण ये अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन को भी इंडिकेट करता है कि लाइफ में आप फुली सेटिस्फाइड जो है रहने वाले रहेंगे। हालांकि यहाँ पर जब इस प्रकार से एक आड़ी रेखा हो तो ये अपने आप में एक चिंतात्मक रेखा इसे जो है कहा जाता है, जो कुल मिलाकर के सही नहीं मानी जाती यहाँ पे। और सूर्य के क्षेत्र की चर्चा करें तो सूर्य पर्वत आपका कमज़ोर है यहाँ पे, और सूर्य पर्वत पर एक से अत्यधिक बिखरी हुई रेखा हो तो ये कंफ्यूजिंग माइंड को भी इंडिकेट करती है, जो बता रही है कि निर्णय लेने की क्षमता में ये कमी को भी बता रही है। कन्फ्यूजिंग माइंड होने के कारण किसी भी एक लाइन में प्रॉपरली फोकस आप जैसे लोगों का नहीं हो पाता है, मतलब एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने के आदी होते हैं और साथ ही साथ एक ही टाइम पे हर चीज़ पाने का एक जो है जज्बा भी जो है देखने को मिलता है। तो यही रीज़न रहता है कि किसी भी एक चीज़ में स्पेशलिस्ट या फिर जो एक चीज़ में अपने आप को निछावर प्रॉपरली नहीं कर पाते, और यही रीज़न रहता है कि सक्सेस किसी एक फील्ड में नहीं मिल पाता, बिखरा हुआ काम रहता है। तो इस पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। हालांकि ऐसी सूर्य रेखा जब व्यक्ति के हाथ में हो तो नाम तो ऐसा व्यक्ति बहुत कमा लेता है, लेकिन वो नाम भी जो है बिखरा हुआ रहता है, कोई प्रॉपरली नेम जो है, नेम फेम पॉपुलैरिटी वो भी मिलने में बहुत कष्ट जो है झेलना पड़ जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो मरकरी है आपको कुल मिलाकर के नॉर्मल है, जब मरकरी इस प्रकार से उभरा हो तो व्यक्ति मन के अंदर बात नहीं दबा पाता, अपनी बात को जो है सीधे स्पष्ट रूप से लोगों के सामने रखना, चाहे वो व्यक्ति का खराब ही चीज़, मतलब ऐसे लोग अगर किसी को खराब भी बोल रहे हैं तो इस लहजे से बोलेंगे कि सामने वाले को ज़्यादा खराब भी ना लगे, लेकिन मन के अंदर बात नहीं दबा पाते हैं, जो दिल में है वही मुंह पे है, इस प्रकार का नेचर रहता है। और जब दो लाइन यहाँ पे हो तो दो शादी का योग ये नहीं होता कभी भी, ये दो बार अफेयर या अटैचमेंट को इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आप किसी से दो बार, मतलब जो है यानी दो बार अपने जीवन में बहुत ज़्यादा रिलेशन के प्रति सीरियस हो जाने वाले रहेंगे। फिर यहाँ पर चर्चा करते हैं आपके यहाँ पर हृदय रेखा के विषय में, तो हृदय रेखा गुरु के क्षेत्र से एकदम प्रारंभ होते हुए चल रही है, तो बहुत इमोशनल नेचर रहेगा आपका, बहुत केयरिंग पर्सनैलिटी भी रहेगी। जब भी किसी से अटैचमेंट हो जाएगा आपका तो आप अपने तरफ से 100% देंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले से भी मिले, और बहुत ज़्यादा लॉयल यानी ईमानदार भी रहने वाले रहेंगे। भावुकता में जो है ज़्यादातर निर्णय लेंगे, तो इसमें बचने की कोशिश करिए, प्रैक्टिकल अपनी मेंटेलिटी रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लोगों की बातों को इतना दिलों पर भी लेना या इतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग भी यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। ओवरथिंकिंग यहाँ पर इस प्रकार से हो रहा है क्योंकि माइंड लाइन सीधे जो है डिक्लाइन होते हुए चली जा रही है यहाँ पर मून की तरफ, तो ये एक प्रकार से अच्छा भी माना जाता है। ऐसे लोगों में बहुत अच्छी क्रिएटिविटी, काल्पनिकता, इमेजिनेशनल स्किल बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण अगर राइटर बन जाए, पोएट्री अगर ऐसे लोग करने लग जाए, डायरेक्टर बन जाए, या ऐसे किसी भी फील्ड में चल जाए जिसमें इनकी काल्पनिकता ये अपने लोगों को जो है दिखा सकें, देश दुनिया में ला सकें, तो उन्नति का ये सर्वप्रथम कारक होता है। लेकिन यही चीज़ खराबी में कन्वर्ट तब हो जाता है तब जब व्यक्ति ओवर थिंकिंग करने लग जाए, हर बात के जड़ तक चल जाने लग जाए, तो ये अपने आप में टेंशन डिप्रेशन का कारक बन जाती है। तो इसके लिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, मेंटेलिटी कुल मिलाकर के नॉर्मल रहने वाली रहेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर जीवन रेखा के विषय में चर्चा करें तो शुरुआती जीवन में कष्ट रहा है, रेखा विस्तृत है यहाँ पर, और साथ ही साथ इस प्रकार से इनकी रेखा निकलते हुए सीधे जो है अंत तक आ गई है, तो उम्र जो है कुल मिलाकर के अच्छी रहेगी, 80 के क्रॉस में जो है एज आसानी से प्रिडिक्ट इनका किया जा सकता है बिना किसी दिक्कत परेशानी के। और साथ ही साथ मंगल रेखा के साथ साथ सहयोगी रेखा भी जीवन के साथ साथ चल रही है, जो जीवन रेखा को बल दे रही है, यानी जब जब आपको किसी की ज़रूरत होगी तो कहीं ना कहीं से आपको सहयोग दूसरों का मिल जाएगा, जिसके कारण आप उस दिक्कत, कष्ट या परेशानी से आसानी से निकल जाने वाले रहेंगे। दो प्रोग्रेस लाइन निकली है यहाँ से, और ये जो उम्र है तकरीबन 26 और 29 के एज के आसपास में निकल रही है, तो उस उम्र में कुछ बिग अचीवमेंट या सक्सेस या ड्रीम जो है आपका पूरा हो जाने वाला रहेगा। मंगल जो है कुल मिलाकर के अंदरूनी नॉर्मल है, तो शारीरिक गठन, बलता या ऊर्जा नॉर्मल रहेगी, लेकिन मानसिक बल बहुत रहेगा। ये जब ज़्यादा उभरा हुआ होता है तो ये ओवर थिंकिंग के डोज में और ज़्यादा खराबी कर देता है, यानी आप जैसे लोग बिना सोचे समझे कार्य जीवन में कर बैठते हैं, जैसे ही दिमाग में कुछ आया इमीजिएटली एक्शन करना है, इमीजिएटली किसी के सामने कुछ भी बोल देना है, इमीजिएटली अपने लाइफ में हर चीज़ कर लेनी है। तो कभी कभी ये चीज़ें सही भी साबित होती हैं क्योंकि आप लोगों के कंपैरिजन में जल्दी वो सब काम कर ले रहे हैं, लेकिन बहुत बार ये प्रॉब्लम का भी कारक हो जाता है क्योंकि बाद में जाके गलती का एहसास होता है कि इसमें ये डिमेरिट्स है या फिर इसमें इस प्रकार से खराबी है,
तो ये एक प्रकार के सहनशीलता को भी जो है यहाँ पर कमजोर बनाता है। व्यक्ति का धैर्यवान जो नेचर है वो भी कम होता है, और धैर्य व्यक्ति के अंदर होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को हासिल करने या पाने के लिए, जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए। तो इसके रेमेडीज जो है मैं व्हाट्सएप पे दूंगा क्या करने रहेंगे, आपको खुद को ये चीज़ें सुधारनी रहेगी। और शुक्र के क्षेत्र की चर्चा करें तो शुक्र आपका अच्छा है यहाँ पर, जब शुक्र अच्छा एरिया लेता है तो व्यक्ति का हेल्थ अच्छा होता है, खर्चीलापन व्यक्ति के अंदर ज़्यादा रहता है, लग्जीरियस लाइफ जीने की इच्छा, दिखावटी चीज़ें, इन सब के पीछे थोड़ा ज़्यादा भाग दौड़ करने वाला, और अपोजिट सेक्स के प्रति थोड़ा अट्रैक्शन भी थोड़ा ज़्यादा रहने वाला इनका रहेगा। और यहाँ जितनी आड़ी रेखा आप देख पाएंगे तो ये ओवर थिंकिंग के कारण जो अननेसेसरीज वरीज लाइन है इसे हम कहते हैं, यानी अनावश्यक चिंता रेखा। तो खुद के द्वारा ही आप कुछ ऐसे कर्म करेंगे कि ज़्यादा चिंतित रह रहे हैं धन को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को लेकर के, आप अपने दाम्पत्य जीवन यानी पत्नी के बारे में और उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग यानी सोचने वाले रहेंगे, तो वो भी एक प्रकार से दिक्कत को ही इंडिकेट करता है। लाइफ पार्टनर का सपोर्ट हालांकि बहुत अच्छा रहेगा, सुंदर सर्वगुण संपन्न भी मिलेगी जब ऐसी भाग्य रेखा निकले तो। और केतु पर इस प्रकार से जब यहाँ पर इस प्रकार से हल्का सा भी फिश साइन बन जाए तो ये अपने आप में बहुत अच्छा होता है, यानी आप अपने ऊर्जा यानी अपने कर्मों के द्वारा जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले, हर चीज़ पा लेने वाले, यात्राओं का सुख आपको खूब मिलेगा, छोटी छोटी यात्राओं से लेकर के बड़ी बड़ी यात्राएं बहुत शुभ फलदायक आपके लिए रहने वाली रहेगी। और जैसे इसका झुकाव सूर्य की तरफ है तो ये रहस्यमय विद्याओं के द्वारा व्यक्ति को बहुत अच्छा उन्नति की तरफ लेते हुए चल जाती है। तो बचपन से ही बहुत कम उम्र से ही रहस्यमय विद्याओं में रुचि या कहीं ना कहीं ज्ञान अर्जित करना ऐसे लोग प्रारंभ कर देते हैं। और जो केतु का जो एज है यहाँ पर प्रॉपरली यहाँ पर डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि केतु और राहु छाया ग्रह होते हैं, तो कभी भी अचानक से प्रोग्रेस, अचानक से धन लाभ, अचानक से सडनली गेन को भी ये इंडिकेट करता है। और वहीं यहाँ पर जब आड़ी रेखा हो तो ये विदेश जाने के योगों को बहुत प्रबल कर देता है, हालांकि काटना थोड़ा सा सही नहीं होता यहाँ पे। और यहाँ पर इस प्रकार से जो इनकी ये लाइन निकल रही है ये बिजनेस लक लाइन है, जो व्यापार में होने वाले प्रोग्रेस को इंडिकेट करती है। एक छोटा सा ट्रायंगल भी बना है राहु के क्षेत्र में, जो अच्छा खासा धन को, अच्छे खासे उन्नति को, अच्छा खासा धन के स्टोरेज को और बहुत ज़्यादा जो है धन को भी इंडिकेट यहाँ पर करता है। और एक और जो है सपोर्टिव लाइन इस प्रकार से आई है, तो तकरीबन 30 प्लस एज के बाद से डबल सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो जाने वाला रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और रहेगा हो तो पूछ सकते हैं। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।